आज हमारे साथ जम्मू कश्मीर की शान कार्तिक्यापुरी और पुनीश पुरी हैं। ये दोनों भाई हैं। कार्तिक्यापुरी ने स्पीड स्केटिंग में 12 नेशनल मेडल लिए हैं और पुनीश पुरी ने स्पीड स्केटिंग में 13 मेडल लिए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। के मदर भी हमारे साथ ही हैं जिनका नाम मोनापुरी है। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। आप कहाँ से इंस्पायर्ड हुए थे स्पीड स्केटिंग के लिए? एक्चुअली 2009 में मेरे फादर खुद ही एक टेबल टेनिस के एशियन प्लेयर रह चुके हैं, तो उन्होंने कहते मुझे लेके गए थे MS स्टेडियम लेके गए थे, तो उन्होंने बोला था कोई भी एक गेम चूज़ करो। तो मैंने हर गेम एनालाइज की, हर गेम देखी, बट मेरे को इसमें इंटरेस्ट लगा ज़्यादा, कहते रोलर स्पीड स्केटिंग में, तो बस वहीं से मैंने रोलर स्केटिंग अडॉप्ट कर ली गेम। आपने गोल्ड कितने जीते? मेरे 13 नेशनल मेडल थे, ऑल इंडिया लेवल के मेडल्स हैं, उसमें से 5 गोल्ड मेडल्स हैं। एंड रिसेंटली अभी कहते लास्ट ईयर 2021 में अप्रैल में मोहाली नेशनल्स में मेरा एक गोल्ड मेडल आया था, तो मेरे 5 गोल्ड्स हैं, 6 सिल्वर मेडल्स हैं और एक ब्रॉन्ज मेडल है ऑल इंडिया लेवल पे। एंड बाकी डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल के तो मल्टीपल नेशनल मल्टीपल मेडल्स हैं, तो वो 100 प्लस हैं, बट ये वाले जो ऑल इंडिया लेवल के ये 13 मेडल्स हैं। आप इंस्पायर हुए थे, आप कैसे इस गेम में चले गए? मैं अपने बड़े भैया को दिखता था कि वो भी कर रहे, तो उनसे ही। आपने कितने, आपने 13 मेडल जीते? हाँ जी। आपने गोल्ड कितने जीते? 5 गोल्ड हैं, 4 ब्राउन्स हैं और 4 सिल्वर हैं। 9-11 बॉयज, लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग हियर, इट्स द फाइनल्स। ओके, लेट मी प्रेडिक्ट अ विनर फॉर दिस रेस। आई हैव अ फीलिंग जम्मू कश्मीर इज गोना गिव अ शॉकर टू एवरीवन। पुनीश पुरी, दिस किड इज अमेजिंग। सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका रहा? सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे फैमिली का था, मेरे फादर, मेरी मदर मेरे डाइट का ख्याल रखते थे, मतलब कि मेरे टाइम टू टाइम क्या खाना है, सुबह क्या खाना है, मेरा सुबह का मील क्या होगा, शाम का मील क्या होगा। एंड फादर का सपोर्ट रहा, लाइक इक्विपमेंट्स वगैरह जो भी चाहिए थे अप टू डेट वो प्रोवाइड करते थे मेरे को। एंड जब भी ट्रेनिंग के लिए जाना होता था, मतलब कि वो अपने ऑफिस आवर्स नहीं देते थे, अगर ऑफिस आवर्स के बीच में उनको निकल के जाना पड़ता था मेरे लिए, तो आते थे और मेरे को ट्रेनिंग ग्राउंड पर लेके जाते थे। आप इंडिया के कौन कौन से पार्ट्स में गए हैं खेलने? इंडिया के मैं वेरियस पार्ट्स में मैंने नेशनल्स खेली हैं, लाइक पुणे, विशाखापट्टनम, बेलगाम, विरार, दिल्ली, मोहाली एक्सेट्रा, मतलब मैंने टोटल 17 नेशनल्स खेली हुई हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर, जम्मू का इंफ्रास्ट्रक्चर और बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई फ़र्क है? हम करंटली अभी जहाँ पर स्केटिंग करते हैं MS स्टेडियम में, वहाँ पर हमारे पास 145 मीटर्स का बैंक ट्रैक है सीमेंटेड, बट जो हमारी नेशनल्स होती हैं या इंटरनेशनल्स होती हैं बाहर, वो होती हैं 200 मीटर्स के सिंथेटिक बैंक ट्रैक में, सिंथेटिक कोटेड बैंक ट्रैक्स में होती हैं वो, बट हमारे पास 145 मीटर्स का एक छोटा ट्रैक है बट सीमेंटेड है। बट हमारी एक गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, हमें भी एक प्रोवाइड किया जाए 200 मीटर्स का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का एक ट्रैक, ताकि हम भी मतलब नेशनल्स और इंटरनेशनल्स में आगे अच्छा रिप्रेजेंट करें अपनी स्टेट को और कंट्री को, और कंट्री के लिए गोल्ड लेके आए। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फिफ्थ में पढ़ते हैं। आप पढ़ाई को और इसको फिर स्पीड स्केटिंग को बैलेंस कैसे करते हैं? मैं मतलब दिन में 2 सेशन लगाता हूँ, एक सुबह और एक शाम को। जैसे हम सुबह जाते हैं, सुबह के बाद आते हैं तो मैं थोड़ा ये रेस्ट करता हूँ, फिर मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उस वो करता हूँ, तो फिर शाम को हमको MS स्टेडियम फिर हम स्केटिंग करते हैं। आपकी तरफ से क्या सपोर्ट? सर जैसे कार्तिक ने बोला डाइट का असली, ये जब खेलते हैं तो इनको प्रॉपर डाइट चाहिए, एक तो डाइट का, सो दूसरा मॉरल सपोर्ट, इनको बहुत मॉरल सपोर्ट चाहिए कि मतलब इनको बैलेंस भी करना है, कि वेर ये स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, मम्मा मेरा टेस्ट है मैंने पढ़ा नहीं, तो वो उस तरह तब माँ का रोल आता है कि मतलब इनको एक बैलेंस, एक मोटिवेट करना कि बच्चे आप वो भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, तो माँ का तो हाथ रहता ही रहता है। आप अपनी पढ़ाई को इसको स्पीड स्केटिंग को बैलेंस कैसे करते हैं?
ये मेरे लिए हेक्टिक नहीं है क्योंकि मेरा एक पर्सनल एम था, ये पर्सनल एम्बिशन था मेरा, क्योंकि कुछ मतलब अपने कहते हैं स्टेट के लिए अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना, तो ये मेरे लिए हेक्टिक नहीं है। मतलब इसको हैंडल करना मेरे लिए ईजी है क्योंकि ये मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट था। तो अब कहते हैं मैं इसको कर रहा हूँ, नाउ करेंटली आई एम परस्यूइंग माई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम GCET जम्मू। बट हेक्टिक फॉर मी इट्स नॉट हेक्टिक बिकॉज ये हो जाता है मैनेज, क्योंकि अगर आपको किसी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब कि आप पूरे दिल से अपने डेडिकेशन से कोई चीज़ करो, तो मतलब कि वो आपके लिए हर चीज़ ईजी होती है, गॉड भी हेल्प करता है आपको, तो आप हर चीज़ बैलेंस कर सकते हो। जितने भी पेरेंट्स आपको सुन रहे हैं उनको कुछ आप कहना चाहेंगे? मेरा यही संदेश है उनसे कि जो भी बच्चे की जो एम है या कोई ख्वाहिश है, या आप उसको मोटिवेट करो उसको पाने के लिए। आप एक अगर आप एक एक्सटर्नल उसको एक फोर्स बन के उसके पीछे खड़े रहोगे तो वो हमेशा एक्सेल करेगा अपने फील्ड में। स्पीड स्केटिंग किसकी गाइडेंस में करते हैं? मैं अपने जो मेंटर हैं उनसे भी बड़ा इंस्पायर हूँ। मेरे जो मेंटर हैं अर्जुन सर, वो एक इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर रह चुके हैं, उनके मल्टीपल नेशनल मेडल्स हैं, वर्ल्ड रैंकिंग उनकी 11th है इंटरनेशनल लेवल पे, एंड वो उनको 28 ईयर्स का स्केटिंग एक्सपीरियंस है। हम उनकी गाइडेंस पे करते हैं, तो वो जो हमारे स्किल्स एनहांस करने हैं, हमारी ट्रेनिंग पे और इम्प्रूवमेंट लानी, हमारी एबिलिटीज़ हमें बतानी है, और वो हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहते हैं कि आगे करते रहो। और क्योंकि जैसे वो भी एक इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं, तो मेरा भी एक एम है कि उनके फुटस्टेप्स पे मैं कहते हैं चलूं और उनकी तरह मैं भी अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करूं इंटरनेशनल लेवल पे। जो आपको बच्चे सुन रहे हैं, अगर आपको उनको स्पीड स्केटिंग ब्रीफ करना हो और कोई मैसेज देना हो इसके बारे में, तो आप क्या कहेंगे? अभी कहते अगर हम किसी के भी कोई ऐसे किसी से भी पूछें कि हम स्पीड स्केटिंग करते हैं, तो उनके लिए मतलब कि ऐसे उनका सिंपल सा रिएक्शन होता है, मतलब कि स्पीड स्केटिंग में क्या है, मतलब क्योंकि स्कोप नहीं है उसमें। वो कहते हैं क्रिकेट ज्वाइन करो, बास्केटबॉल ज्वाइन करो, फुटबॉल करो, स्पीड स्केटिंग क्या है? बट उनको अभी तक ये नहीं पता। अभी तक एक ऑल इंडिया सर्वे हुआ था, 70% स्कूल्स इंडिया के उनके पास स्केटिंग ट्रैक है। अगर मतलब कहते गवर्नमेंट चाहती कि कहते गवर्नमेंट ने 70% ट्रैक्स क्यों बनाए हुए कहते, ताकि बच्चे भी स्पीड स्केटिंग में जाएं। स्पीड स्केटिंग एक अभी एक डेवलप तो हो गया हुआ, बट एक ग्रोइंग स्पोर्ट है, और ये वर्ल्ड इसकी वर्ल्ड गेम्स भी होती हैं, एशियन गेम्स भी होती हैं, एंड इसमें ऐसी बात नहीं है कोई स्कोप नहीं है। आपको अगर आप आइस स्केटिंग में जाओ तो ओलंपिक्स भी आप खेल सकते हो, विंटर ओलंपिक्स जैसे अभी रिसेंटली बीजिंग में हुई थी। तो ये एक बहुत अच्छा मतलब वेल डेवलप्ड और ग्रोइंग स्पोर्ट है, तो इसमें बच्चों को जाना चाहिए। आप अभी तक कौन कौन सी जगह गए हैं गेम खेलने? मैं भी बहुत जगह गया, मोहाली, दिल्ली, विशाखापट्टनम, बेलगाम, विशाखापट्टनम, दिल्ली, मोहाली, रायपुर, बस। इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई आपको फर्क लगा जो जम्मू में है या बाहर है? जम्मू में हमारे पास मतलब 145 मीटर का वो है सीमेंटेड ट्रैक, बाहर की जो स्टेट्स में है उनके पास 200 मीटर का बैंक ट्रैक है, वो सिंथेटिक ट्रैक। जितने भी बच्चे आपकी उम्र के आपको सुन रहे हैं, आप उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कि आप भी कोई गेम कोई चूज करो। ठीक है, आप सबका जेके यूट्यूब चैनल के लिए।